ये भगवान जो शब्द बना उसकी व्याख्या क्या है, भगवान की व्याख्या क्या, भगवान जो शब्द बना। संतों ने बताया भगवान इस शब्द कैसे बना, तो संतों ने बताया भ माना सारे जीवों का भरण पोषण, जिसकी सत्ता से हो रहा है उसमें से भ लिया। हम कितने सारे जीव हैं आपको पता है, 84 लाख जीव और एक मनुष्य। 84 लाख जीव कोई नौकरी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, दुकान नहीं चलाते, फैक्ट्री नहीं जाते, फिर भी सबका भरण पोषण हो जाता है। सिर्फ मनुष्य पैसा कमाता है, बाकी कोई पण जीव नौकरी धंधा करते नहीं, पैसे कमाते नहीं है, फिर भी सबका भरण पोषण पूरा हो जाता है। कौन करता है, किसकी सत्ता से सारे जीवों का भरण पोषण हो रहा है, वो सत्ता में से भ लिया। फिर आता है ग, ग माना गमना, गमन की व्यवस्था। जीव आता है, जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता, आवागमन चालू है। और कहा जाए आप अपने घर से यहाँ चलकर आए तो किसकी सत्ता से आए, आपके पैर चल रहे थे यहाँ तक आए किसकी सत्ता से आए, वो भीतर चैतन्य आत्मा बैठा है भगवान होकर, उसकी सत्ता से हम चल कर आए। वो शरीर में ना रहे तो क्या कदम चल पाओगे, तो जिसकी सत्ता से पंछी उड़ रहे हैं आज आकाश में उड़ रहे हैं, उसकी सत्ता से उड़ रहे हैं, अंदर चैतन्य है, वो छोड़ दे तो नीचे गिरेगा। तो जिसकी सत्ता से गमना गमन की व्यवस्था हो रही है उसमें से ग लिया। भ ग, फिर क्या आता है वा, वा का मतलब है वाणी का उद्गम स्थान। हम जब बोल रहे हैं अंदर से शब्द आ रहे हैं बाहर, वो किसकी सत्ता से आ रहा है, कोई तो अंदर है, वो बैठा है तो शब्द आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो अंदर ना रहे तो बात करते करते ऐसे हो जाएगा मुंह टेढ़ा, हाँ एक शब्द बाहर नहीं आएगा। तो जिसकी सत्ता से अंदर से स्फुरण हो रहा है, वाणी स्फुरित हो रही है, उसी सत्ता में से वा लिया। और न माना नहीं 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 नहीं, सबका नाश हो जाए फिर भी जिसका कभी नाश नहीं होता वो है भगवान, और वो भगवान चैतन्य आत्मा होकर हम सबके हृदय में विराजमान है, वो अंतर्यामी होकर हम सबके हृदय में बैठा है। उस भगवान की शरण जाना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। ऐसे भगवान के रूप तो कई हैं लेकिन वो एक का एक सबके हृदय में। चींटी के अंदर भी वही उसकी सत्ता चल रही है, हाथी के अंदर भी उसी की सत्ता है, कुत्ता हो चाहे पशु हो, पंछी हो चाहे कोई भी मनुष्य हो, उन सबके भीतर वो चैतन्य आत्मा होकर चम चम चमक रहा है, वो भगवान है। उस भगवान की शरण में जाना चाहिए, उस भगवान का गुणगान करना चाहिए, उस भगवान का नाम लेना चाहिए।